प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र के पौड़न गांव में एक बाउंड्री वाल को विपक्षी से मिलकर सैदाबाद नायब तहसीलदार पर ध्वस्त कराने का आरोप लगाया गया है। समोधीपुर गांव निवासी इब्राहिम का पौड़न गांव में मकान है जिसमें बाउंड्री वाल बनवाया गया था। इब्राहिम का आरोप है कि रविवार को उसकी गैर मौजूदगी में सैदाबाद नायब तहसीलदार द्वारा पहुंचकर विपक्षी से मिलकर जेसीबी से बाउंड्री वाल को ध्वस्त करा दिया गया। इब्राहिम का कहना है कि बाउंड्री वाल गिराने का कोई भी आदेश नहीं है। वहीं नायब तहसीलदार राजेश कुमार ने बताया कि आदेश पर ध्वस्तीकरण किया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। पूरा परिचय दीजिए। मोहम्मद इब्राहिम, निवासी समोधीपुर, थाना उतराव, जनपद प्रयागराज। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है जो है, बिना आदेश के मैं घर पे मौजूद नहीं था, दवा लेने गया था इलाहाबाद जो है, और नायब तहसीलदार सैदाबाद जो है राजेश आए, मेरी बाउंड्री वाल को जबरदस्ती जो है गिरा दिए, जो कि विपक्षी के पक्ष में कोई आदेश भी नहीं था, सारा आदेश मेरे पक्ष में था, दीवानी से लेकर के हाईकोर्ट तक। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई, जो लोग ऐसा किए हैं उनके ऊपर दंड लगना चाहिए, जो है दंड भोगी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए।